नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज जो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेक्टेशन को लेकर जिन एक्सपेक्टेशन के साथ शिंदे ग्रुप गया था और उसके विरुद्ध जो उद्धव ग्रुप ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि साहब ये पब्लिक का नुकसान हो रहा है, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, ये लोग वहाँ पड़े हुए। आपको पता है कि कितने मिनिस्टर इतनी बड़े स्टेट में, जिसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बड़ी है, उसमें कितने मिनिस्टर उनके साथ हैं? उनके साथ चार मंत्री हैं। उन चार मंत्रियों में तीन MLC हैं, एक MLA है, MLA भी उद्धव ठाकरे का अपना एक बेटा। आप समझ सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद बची है उद्धव ठाकरे के साथ, उसमें एक MLA आदित्य ठाकरे जो कि मंत्री हैं वही बचे हैं, बाकी सब गुवाहाटी में इस समय पड़े हुए हैं। हालांकि ये बड़ी टर्मोइल की पोजीशन है, फिर भी उद्धव ठाकरे का हौसला देखना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से मैंने कुछ बयान सुने हैं, वो क्विट करना चाहते हैं, वो अब टूट चुके हैं ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, अपने कामों से बाज नहीं आ रहे हैं। संजय राउत जैसे उनके सलाहकार, उनका बेटा आदित्य ठाकरे जिसको बेबी पेंगुइन लोगों ने कहा था, उनके वो भी सलाहकार हैं। ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे नहीं हैं, वो आदित्य ठाकरे हैं। और आदित्य ठाकरे बहुत छोटे बच्चे, राजनीति के तो वो बच्चे ही हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हुए भी बड़ों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वहाँ से कटने लगता है। हालांकि उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से उपस्थित हुए, यानी कि वहाँ के डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो वकील उपस्थित हुए, और उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से जो वकील उपस्थित हुए, और जो शिंदे ग्रुप की तरफ से वकील उपस्थित हुए, और इसके अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील उपस्थित हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील ने जब कहा, तुषार मेहता ने, कि भाई मैं कुछ बोलूं, तो सामने से जवाब आया कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, आपको क्या पड़ी है, ये हमारे घर की लड़ाई है। यानी कि एडवोकेट ने सामने से कहा कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन सो मैटर्स, बात ठीक है कि आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो BJP ने भी साफ जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं, जब निर्णय होगा तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना। वो हमारे पास, अगर शिंदे ग्रुप हमारे पास आता है, एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो मिनिस्टर्स हैं वो उनके मेरे पास आते हैं, तो फिर हम विचार करेंगे, बाकी हम दूर से एक्सपेक्टेटर की भूमिका में। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि संजय राउत को ED का नोटिस सम्मन आ गया, कल मिलना है। अब ED या जो सेंट्रल एजेंसियां हैं CBI, हालांकि ये लगातार इनके लिए इनको ऊपर वॉच किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों पर वॉच करती हैं, बहुत सारे लोगों पर वो काम करते हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वो कुछ ठीक नहीं लगती। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस समय क्या हो रहा है, एजेंसियाँ अपना काम करें, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन नहीं करती, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कोई रोक टोक नहीं लगाई। यानी कि केंद्र की होम मिनिस्ट्री ने कोई रोक टोक नहीं लगाई, ED जैसे काम करती, CBI अपना काम करती, अपने हिसाब से काम करती रहे, सेंट्रल का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। उसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है। दूसरा मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि इन एजेंसियों में बैठे लोग ऐसी टाइमिंग पर ही सम्मन नोटिस जारी करते हैं ताकि केंद्र की सरकार बदनाम हो जाए और ये माना जाए कि ये पूरा प्रकरण केंद्र की सरकार कर रही है। ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होना ही चाहिए, मुझे लगता है कि इस पर वॉच करनी चाहिए। इतना तो इंटरवेंशन बनता ही है कि अगर महाराष्ट्र में कोई खेल चल रहा है तो उसके बीच में ED अगर कुछ बोल देगी, CBI कुछ बोल देगी, केंद्र की सरकार कुछ बोल देगी, कोई मीटिंग भी कर लेगी, फ़ोन भी कर लेगी, तो सारा इल्ज़ाम केंद्र की सरकार के ऊपर आने वाला है। हालांकि केंद्र की जो सरकार बैठी, BJP की सरकार बैठी हुई है, BJP और संघ परिवार, जब से संघ परिवार का उदय हुआ 1925 से, तब से लेकर आज तक सिर्फ आलोचना के अलावा संघ परिवार ने और उसको कुछ मिला ही नहीं। लेकिन वो अपने ध्येय पथ पर चलते रहते हैं, चरैवेति का उनका फॉर्मूला, उस पर वो चरितार्थ उतरते रहते हैं। ये दोनों का, संघ परिवार के जितने भी संगठन हैं उनका अपना एक मापदंड है, एक तरीका है, उस पर चलते रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उद्धव सरकार ये चाहती थी, यानी कि इधर से वकीलों ने ये आग्रह किया कि सब फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए, तो फ्लोर टेस्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। गवर्नर को वो डिप्टी स्पीकर
काम करता रहे, डिप्टी स्पीकर का निर्णय आ जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये जो बाकी के जो तीन इश्यूज थे जिसमें हमने कहा कि कैसे विप का प्रमुख अपॉइंट हो गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब एकनाथ शिंदे लीडर हैं शिवसेना के और वो पार्टी से बाहर नहीं गए, पार्टी में ही हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने छोड़ी नहीं पार्टी, तो फिर वो नेता कैसे बदल गए जबकि विधायक सारे उनके साथ ही। फिर फ्लोर टेस्ट या जो नोटिस सभापति ने दिया है उस नोटिस के पीछे वैलिडिटी क्या है, क्योंकि नोटिस वो तो स्वयं ही विवादित हैं, क्योंकि उनके नोटिस से पहले शिंदे ग्रुप ने उनके नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस जारी कर दिया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो नोटिस ईमेल पर आया उस पर डिस्पोजल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो सबसे बात है बड़ी बात आई, वो कहते हैं कि अनवेरीफाइड ईमेल आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनवेरीफाइड भले ही आया हो लेकिन हकीकत यह है कि आपने उसको डिस्पोजल किया, आपने उसको रिजेक्ट किया। अगर आपने उसको रिजेक्ट किया तो वो आपका डिसीजन माना जाएगा, आपका डिसीजन अगर माना जाएगा तो वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं गए शिंदे ग्रुप से, आप यहाँ क्यों चले आए। लगातार अभिषेक मनु सिंह भी, कामत सब ये कह रहे थे कि भाई ये हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट करेक्ट फोरम है, जबकि ग्रुप जो 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 शिंदे ग्रुप के एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 32 में हम आए हैं और आर्टिकल 32 में कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आर्टिकल 226 कहीं से रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों ही साइमल्टेनियस ज्यूरिडिक्शन रखते हैं। अब चूंकि स्टेट के अंदर ज़्यादा समस्याएं हैं, सरकार सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग दुरुपयोग करती है, इसलिए वहां पर इस बात को प्ली करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आए। ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का बनता है, बहुत देर तक बहस हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बनता है। अभिषेक मनु सिंह भी लगातार ये कहते रहे कि नहीं भाई ये तो आपका आपका ज्यूरिडिक्शन तब तक नहीं बनता जब तक कि वो डिसाइड ना करते हो। तो होलहोन के जजमेंट का हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप याद करो रूबिया नवाब रूबिया का रबिया का मामला याद करो, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंचों ने ऑलरेडी, खास तौर से कि हो तो होलहोन का जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी बेंच ने ऑलरेडी ये बात कही है कि भाई जब स्पीकर बायस हो तो स्पीकर के डिसीजन का इंतजार नहीं करना चाहिए, जब स्पीकर ही विवादित हो तो इसके डिसीजन का इंतजार नहीं करना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस डिसीजन में आई, उद्धव ठाकरे के खिलाफ गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहाँ सरकार में हैं और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार अब कितना दुरुपयोग करती, कोई आज की नई बात नहीं, हमेशा से दुरुपयोग करती है, तो सरकार कितना दुरुपयोग पावर का करती है, आपने वो चीज़ अर्णब गोस्वामी के मामले में देखी होगी, वो एक्टिविटी आपने परमवीर सिंह के मामले में देखी होगी, वही चीज़ आपने कंगना रनावत के मामले में देखी, बाकी कोई बोलता नहीं, जो बोले उनके खिलाफ एक्शन बिना किसी कारण के भी लिए गए। अर्णब गोस्वामी को तो रिपोर्टिंग करने के लिए पालघर की रिपोर्टिंग, जहां पर साधुओं की हत्या की गई हो, नृसिंह हत्या कर दी हो विरोधियों ने, उस मामले में अगर रिपोर्टिंग की अर्णब गोस्वामी ने रिपब्लिक भारत ने, तो रिपब्लिक भारत को भी कटघरे में खड़ा किसी न किसी मामले में करके और उनको भी जेल भेज दिया गया, बाद में वो वहां से निकल कर आए। कुल मिलाकर बात यह आती है कि उद्धव सरकार या महाराष्ट्र की सरकार बहुत सारे दुरुपयोग करती है पावर का। ऐसी स्थिति में ये जो हम देख रहे थे कि MLAs के घर पर हमले हो रहे हैं, हालांकि केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री ने वहां CRPF लगा दी थी, अब वो CRPF उनका लगाना वो उद्धव ठाकरे को स्वीकार नहीं हुआ, वो कहते हैं कि आप हमारे राज्य में इंटरवेंशन करते हैं क्योंकि वो कुछ और करना चाहते होंगे, MLAs के घर पर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों से दबाव बनाना चाहते होंगे, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार को बचाने के आने के लिए वो नेगोशिएट करें उद्धव सरकार के साथ और उद्धव ठाकरे को आकर सरेंडर कर जाएं। ये सब कुछ प्रयास चल ही रहे थे कि केंद्र की सरकार ने CRPF अपॉइंट करके उनको सुरक्षित किया। अब ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खुलकर तो नहीं आई, लेकिन बात ये आई कि भाई ये सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये भी प्ली आई कि शिंदे ग्रुप ने ये कहा कि साहब हमारे परिवारों को बचाने का प्रयास किया जाए, हमारे परिवारों को सिक्योरिटी दी जाए, ये लायबिलिटी मानी गई। एक बात और प्रकरण आया कि जब जिस समय डिप्टी स्पीकर के एडवोकेट राजीव धवन ने ये कहा कि
मैं मान कर चलता हूँ जब तक ये मीन टाइम है, इस समय तक वहाँ कार्रवाई, ये जो 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 रेवेलियन ग्रुप्स के पास को एंटी डिफेक्शन में जो डिसीजन होना है वो नहीं करेंगे उप सभापति। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप रिटन अंडरटेकिंग दे रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। कह रहे हैं आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं उनके बिहाफ पर क्या? राजीव धवन पीछे हो गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर फिर मैं ऑर्डर में लिख दूं। ऑर्डर में वो बात आ गई कि उनके परिवारों को सुरक्षा दी जाए, उनके परिवारों के ऊपर अगर कोई भी आँच आती है तो इसकी जिम्मेवारी उद्धव सरकार की बनेगी। और इसके अतिरिक्त जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अगला आदेश न जारी करे तब तक एंटी डिफेक्शंस के मामले में राज्यपाल वो एंटी डिफेक्शन के मामले में उपराष्ट्र उप 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 सभापति कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा रिलीफ दी वो ये दी कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन एकनाथ शिंदे ग्रुप लाना चाहता है तो ला सकता है, वो राज्यपाल से मिलना चाहे तो मिल सकता है, राज्यपाल से अगर वो कुछ आग्रह करना चाहता है तो कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी बहुत सारे ऑप्शंस शिंदे ग्रुप के पास आ गए हैं। वो ग्रुप ऑप्शन ये आ गए हैं कि वो चाहें तो महाराष्ट्र जा सकते हैं, महाराष्ट्र की सरकार उनको सिक्योरिटी देगी, महाराष्ट्र की सरकार सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ करती है तो केंद्र की सिक्योरिटी ऑलरेडी है और सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ऑर्डर है इसलिए केंद्र की सिक्योरिटी अब विड्रॉ भी नहीं हो सकती, यानी कि केंद्र की सिक्योरिटी के साथ शिंदे ग्रुप अब मुंबई में पहुँच सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो राज्यपाल से मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरी बात यह है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का पत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, राज्यपाल नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश भी दे सकता है। यानी कि शिंदे ग्रुप के सारे ऑप्शन से खोले ही नहीं, इशारा भी किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि शिंदे ग्रुप के पास ये ऑप्शन हैं। जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जितने भी प्रयास थे, मुझे लगता है उनका समय खराब चल रहा है या फिर जो उन्होंने बोया है उसको अब उसकी फसल तैयार हो रही है, तो जिस तरफ वो देख रहे हैं लहलाती हुई वो पाप के घड़े की फसल दिखाई दे रही है। दूसरा एक और ग्रुप एक और अंजाम लगा कि संजय राउत शरद पवार के इशारे पर शिवसेना को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बात गुवाहाटी में बैठे एमएलए ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कह दी। तो संजय राउत तो मरने मारने को तैयार थे, अब कहने ये मैंने जैसे कहा कि ईडी ने बीच में उनको सम्मन कर दिया, कल बुला लिया, तो अब संजय राउत के कहने के लिए ये हो गया कि साहब केंद्र सरकार सब कुछ कर रही है, हमको भी फंसा रही है, उनको पहले से ईडी में फंसा चुकी थी इसलिए वो सब इधर उधर चले गए और वो केंद्र के इशारे पर सब कुछ चल रहा है और वो हमको भी फंसाना चाहते हैं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा और ब्ला 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 बहुत कुछ वो कह रहे हैं। हालांकि हम सब जान ही रहे हैं कि संजय राउत प्रॉपर्टी खरीद के मामले में लंबे समय से ईडी के सामने प्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि टाइमिंग का एक सवाल पैदा होता है, या तो बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ रखा है मोदी जी ने और या फिर ये वो ग्रुप स्वयं में मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। जहाँ तक संभव है वहाँ तक मैं ये समझता हूँ ये दोनों ही चीज़ें हैं कि केंद्र की सरकार ने सीबीआई और ईडी को कानूनन अपना काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, लेकिन वो अपोजिशन की मदद ये करके कर लेते हैं कि ऐसी ही टाइमिंग पर जिस समय क्राइसिस चल रही हो उसी समय पर उन लोगों को नोटिस करके सम्मन करके उनको बुला लेते हैं, और उनको जब बुला लेते हैं तो फिर वो दोनों को जनता लिंक करके देखने लगती है कि केंद्र सब कुछ करवा रहा है। कुल मिलाकर बात यह आती कि उद्धव ठाकरे के सारे ऑप्शंस बंद कर दिए गए और उद्धव ठाकरे अब केवल मिनिस्टर रह गए हैं, चीफ मिनिस्टर रह गए, उनके पास भी केवल शिवसेना के धड़े से चार मिनिस्टर हैं, उसमें भी केवल एक एमएलए है और तीन एमएलसी, वो खुद भी एमएलसी हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार शिवसेना के बल पर कैसे चलाएंगे ये समझ नहीं आता। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कांग्रेस का भी हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो बैठे बैठाए सत्ता में आ गई थी, कुछ धन अर्जन ही हो रहा होगा, कुछ शक्ति वहाँ से अर्जित हो रही है। राहुल गांधी वैसे ही कांग्रेस डुबाने पर तुले हुए हैं, राहुल गांधी के होते हुए भी महाराष्ट्र में एटलीस्ट सरकार, राजस्थान में सरकार चल रही है, तो कम से कम चल तो रही है, कुछ तो नॉरिशमेंट मिल रहा हो, कुछ लोगों को तो लाभ मिल रहा होगा। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है इन सब में अगर कोई समाप्त होने की कगार पर आ गया तो वो उद्धव ठाकरे हैं। एक और जो नई घटनाक्रम हुई वो मुझे लगता है कि जानने योग्य है। वो नई घटनाक्रम ये हुआ कि शिंदे ग्रुप ने, एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को फ़ोन कर लिया, और राज ठाकरे को फ़ोन करना ये अपने आप में एक स्पार्क है। ये जो जितनी गुंडई चल रही है, अगर
ये एकनाथ शिंदे ग्रुप राज ठाकरे को अपना नेता मान ले, क्योंकि ये ऑलरेडी मानकर चलते हैं कि राज ठाकरे ही बाल ठाकरे के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। वो अलग बात है कि उनमें गर्मी ज़्यादा होने की वजह से या उनके कुछ न कुछ करते इधर उधर होने की वजह से या कुछ उनमें देखा होगा, या फिर ये भी संभव है कि बाल ठाकरे के रहते हुए ही राज ठाकरे बाहर हो गए थे और उद्धव ठाकरे को सत्ता दे दी गई थी, और बाल ठाकरे जब जीवित थे तो किसी भी व्यक्ति का बाल ठाकरे को छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता और बीजेपी का भी सवाल पैदा नहीं होता। इसीलिए बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ यानी कि बाल ठाकरे के साथ कोलैबोरेशन कर लिया था। चुनाव भले ही बाद में हुआ हो, सरकार भले ही बाद में बनी हो, लेकिन कोलैबोरेशन तो शिवसेना के साथ पहले से था। मन से लगातार प्रयास कर रही थी कि वो कोलैबोरेशन कर ले केंद्र की सरकार के साथ या मोदी जी के साथ, लेकिन बाल ठाकरे के जीवित रहते वो कैसे कोलैबोरेशन हो जाता उनके साथ। तो राज ठाकरे का हालचाल पूछा। अभी ये संभव है कि जब ज़्यादा क्राइसिस बढ़े तो राज ठाकरे उनके साथ खड़े हो जाएं। अगर राज ठाकरे को शिंदे ग्रुप अपना लीडर मान लेता है और राज ठाकरे उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये मानकर चलिए जितनी गुंडई करने का प्रयास आज के शिवसेना तथाकथित शिवसेना उद्धव ठाकरे करने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि राज ठाकरे वो व्यक्ति हैं जो वाकई में बाला साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं और जिनकी अपनी शक्ति है। तीसरी बात एक और जो सबको दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है कि मुंबई के आधार पर ही शिवसेना को क्यों आंका जा रहा है। शिवसेना का प्रभाव तो केवल मुंबई में है, जबकि सरकार तो पूरे प्रदेश से बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो पूरे प्रदेश में हैं, शिवसेना पूरे प्रदेश में नहीं है। एक आध औरंगाबाद जैसी जगहों पर शिवसेना का कुछ प्रभाव था, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। तो शिवसेना का जो कुछ भी है वो तो मुंबई में ही है और मुंबई में ही वो उत्तम मचा सकते हैं, और मुंबई में भी एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो MLA और उनके साथ के लोग हैं उन्होंने अब विरोध करना शुरू कर दिया। अगर इनको राज ठाकरे की शक्ति मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि आज के उद्धव ठाकरे का क्या होगा। लगभग समापन की अवधि पर आ चुके हैं वो, तो बाल ठाकरे पुत्र मोह में उद्धव ठाकरे को दे गए और उद्धव ठाकरे अपने पुत्र मोह में लगातार शिवसेना को समाप्त करने का जो षड्यंत्र जो 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 कारनामा कर रहे हैं वो जग जाहिर है। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे का समय खराब चल रहा है या फिर शिवसेना से उनका प्रभाव समाप्त होने की कगार पर है। ये ईश्वरी कृत्य है, ईश्वर ने ये तय किया होगा कि शिवसेना का जो ठाकरे प्रभाव है वो कैसे समाप्त हो। आज की घटना पूरी बताती है कि उद्धव ठाकरे वो कैलिबर नहीं रखते हैं जो कि बाला साहब ठाकरे रखते थे, और वो पिता के नाम को ही कैश करवाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अपना नाम पिता के नाम से दो कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, अटल जी से दो कदम आगे मोदी जी निकले और मोदी जी से चार कदम आगे योगी जी चल रहे हैं, यानी कि सक्सेशन की परंपरा गतिविधियां और रिक्वायरमेंट के आधार पर चल रही, जबकि बाला साहब से एक कदम भी आगे उद्धव ठाकरे नहीं चल रहे। बाला साहब से अगर आगे कोई चल रहा है तो वो राज ठाकरे हैं, लेकिन राज ठाकरे की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं की वजह से अब लगता है शिवसेना और उनके ग्रुप में इतना घमासान हो चुका है कि असली शिवसेना कौन ये निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया, लेकिन बहुत जल्दी डिसाइड होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।